धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक स्थल के रूप में ही संरक्षण करना चाहिए। मुझे याद है कि 2007-08 में हम लोग गए थे विधानसभा समिति की उसका दौरा लेकर, और दो बड़े लोग उसमें शामिल हुए थे, एमसी मेहता बड़े पर्यावरणविद हैं और हमारे स्वामी सानंद जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले सचिव थे जीडी अग्रवाल साहब, तो हम सभी गए थे इनके साथ लेकर हम लोग इसी केस से गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ। उस समय मैंने प्रतिवेदन दिया था कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन बना देने से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोकने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। लोग गाड़ियाँ लेकर पहुँच जाते हैं, वहीं होटल बने हुए हैं, सारे मलमूत्र हम गंगोत्री यमुनोत्री में ही वहाँ डालते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी, तो इसके बारे में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। 2008 में उन्होंने कहा था और संवेद शिखर के माध्यम से जो विषय उठा है वह केवल एक या दो जैन धर्म के जो तीर्थस्थल हैं वहीं तक सीमित न रह जाएं, बल्कि जो अन्य धर्म हैं, अन्य संप्रदाय हैं, उनके भी जो आस्था के स्थान हैं उनको हम लोग धार्मिक स्थल के रूप में संरक्षित करना चाहिए। जिसको धार्मिक आस्था है वहाँ जाए, पूजा करे, देखे, घूमे, मगर ऐसे टूरिस्ट के काम के लिए, मनोरंजन के लिए उसको हम उपयोग उसका हमको नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से भारत सरकार का जो गैर मुखिक नोटिफिकेशन है और झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको जितना जल्दी हो बदलवाना चाहिए और झारखंड सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। पता नहीं क्यों कोताही कर रही है झारखंड की सरकार, और कई लोगों ने कहा कि वो भारत सरकार तक बातों को रखेंगे। इसलिए मेरा अभिमत इसमें यही है कि धार्मिक स्थलों पर आप धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में जाइए और उसका स्थान मनोरंजन के लिए और पर्यटन के लिए उस स्थान का उपयोग न किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।